हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं वो मिराज की बात नहीं है, लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने काफी लोगों ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में एक रात में क्या दिल बदल गया वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं कम कमांडो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता। सुना आपने, ये आवाज थी सरदार पटेल की, तारीख थी 3 जनवरी 1948 और जगह थी कोलकाता। सरदार पटेल का जो भाषण आपने सुना है उसमें वो हिंदुस्तान के उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो आजादी के बाद भारत में ही रह गए थे। आपने सुना होगा सरदार पटेल ने कहा कि जो इस वक्त यानी आजादी के तत्काल बाद 3-4 करोड़ मुसलमान भारत में पड़े हैं उनमें से ज्यादातर ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया था। आपने इस भाषण में सरदार पटेल इस बात पर हैरानी भी जता रहे हैं कि जिन मुसलमानों ने कल तक पाकिस्तान बनाने में साथ दिया था आज अचानक एक दिन में उनका दिल कैसे बदल गया। दरअसल सरदार पटेल ने इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीर बात और इतनी साफ बात ऐसे ही नहीं कर दी थी। हकीकत में इतिहास का ये वो काला सच है जो आज तक आपसे छुपाया गया है, लेकिन आज सच सामने आएगा और आंकड़ों के साथ आएगा। आपने देश के कई चुनावी नतीजों का विश्लेषण पढ़ा और सुना होगा, कभी 77 का चुनाव, कभी 84 का चुनाव, तो कभी 2014, तो कभी 2019 का चुनाव। लेकिन आज मैं विश्लेषण करूंगा 1946 के चुनाव का, वो चुनाव जिसने दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की नींव रखी, वो चुनाव जिसने जिन्ना के सपने को पूरा किया और वो चुनाव जिसने 30 लाख मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। 1945-46 का चुनाव जो आजादी के ठीक एक साल पहले हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीधा मुकाबला था। इन चुनावों में मुद्दा बिजली, सड़क, पानी नहीं था, मुद्दा सिर्फ एक था, अखंड भारत या फिर पाकिस्तान। ये चुनाव दो तरह के थे, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। एक थे केंद्रीय असेंबली के, जिसे आप लोकसभा कह सकते हैं, जिसमें 102 सीटें थी, और दूसरे थे अलग अलग प्रांतीय असेंबलियों के, जिसे आप विधानसभा कह सकते हैं, इनमें सीटें थी 1585। इन चुनावों की सबसे बड़ी खासियत यह थी मुस्लिम रिजर्व सीटें, यानी वो मुस्लिम बहुल इलाके जहां सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे। ये मुस्लिम बहुल इलाके आज के पाकिस्तान में भी थे और आज के भारत में भी थे। हालांकि एकीकृत भारत में मुस्लिम आबादी 24% ही थी, लेकिन मुस्लिम लीग की जिद और कांग्रेस के सरेंडर करने की वजह से करीब 30% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गईं। यानी केंद्रीय असेंबली की 102 सीटों में से मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई 30 सीटें, तो राज्यों की असेंबली की 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई। 1946 के चुनाव में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने नारा दिया, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। तो इन हालात में अब होता है 1946 का चुनाव और आते हैं उसके नतीजे, और ये नतीजे बताते हैं कि किसके बाप दादाओं ने बनाया था पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि केंद्रीय असेंबली की 30 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 30 की 30 पर जिन्ना की मुस्लिम लीग जीत जाती है। वहीं प्रांतीय असेंबलियों में आरक्षित 492 मुस्लिम सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि इसमें हैरानी की बात क्या है, वो इलाके जो आज पाकिस्तान में है वहां मुस्लिम लीग जीत गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग जीती थी उन शहरों, उन इलाकों में जो आज भारत का हिस्सा है। मुस्लिम लीग ने अपना झंडा गाड़ा था आज के उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यहां तक कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटक, असम और उड़ीसा में भी मुस्लिम लीग ने अपना परचम लहराया था। ये वो इलाके थे जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले थे, और ये बात वहां के मुस्लिम मतदाताओं को भी पता थी, फिर भी उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रांतीय असेंबलियों के चुनावों में किस राज्य में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली। संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश, जहां की 66 मुस्लिम सीटों में से 54 पर मुस्लिम लीग जीती। बिहार की 40 मुस्लिम सीटों में से 34 सीट पर मुस्लिम लीग ने परचम लहराया। मध्य प्रांत यानी आज के मध्य प्रदेश की कुल 14 मुस्लिम सीटों में से 13 सीट पर मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की।
बॉम्बे स्टेट जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात कहलाता है उसकी 30 मुस्लिम सीटों में से 30 की 30 पर मुस्लिम लीग ने अपना झंडा लहराया। मद्रास प्रांत जिसमें आज का तमिलनाडु केरल आंध्र शामिल है उसकी 28 में से 28 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती। वहीं असम की 34 मुस्लिम सीटों में से 31, पंजाब प्रांत की 86 मुस्लिम सीटों में से 74, बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 और उड़ीसा की 4 मुस्लिम सीटों में से 4 पर मुस्लिम लीग चुनाव जीती। आइए बात करते हैं उन इलाकों की जो आज पाकिस्तान में है, वहां मुस्लिम लीग का क्या हश्र हुआ था। पाकिस्तान के NWFP यानी जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, वहां मुस्लिम लीग सरकार तक नहीं बना पाई। वहां खिजर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। पाकिस्तान के सिंध में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिल पाया और उसे गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं बंगाल में जिसका एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, वहां भी मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका और उसको निर्दलियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। तो यह साफ हो गया कि 1945-46 के चुनावों में पाकिस्तानी इलाकों में मुस्लिम लीग को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी हिंदुस्तानी हिस्सों में मिली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खुद मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना इन चुनावों में कराची, लाहौर, पेशावर या रावलपिंडी से नहीं बल्कि मुंबई की बायकुला सीट से चुनाव लड़े थे और भारी मतों से जीते थे। आज भी इस बायकुला और उसके आसपास के इलाकों में भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं जिनके पुरखों ने कभी जिन्ना को वोट दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से मुस्लिम लीग ने ज्यादातर सीटें उन इलाकों में जीती थी जो हिस्से भारत में रह गए थे और हैरानी की बात यह है कि इन इलाकों में आज भी मुस्लिम जनसंख्या अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। यानी 1946 में मुस्लिम लीग को वोट देने वाले 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। तो आइए अब देखते हैं कि इन भारतीय इलाकों के कितने फीसदी मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग करने वाली जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। 1946 के चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीटों पर 89.5% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। वहीं सिर्फ 4.5% मुसलमानों ने ही कांग्रेस को वोट दिया और बाकी 6% मुसलमानों ने अन्य मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टियों को वोट दिया। यानी 1946 के चुनाव में करीब 95.5% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगने वालों को वोट दिया और सिर्फ 4.5% वोट दिया कांग्रेस यानी भारत के पक्ष में। तो सोचिए, भारत की आजादी से ठीक पहले सिर्फ 4.5% मुसलमान भारत के साथ खड़े थे और 95.5% मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान के नाम पर वोट दिया उनमें से कितने लोग पाकिस्तान गए। यह वो सच है जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसलिए हम अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि जिन्ना के पाकिस्तान को अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाद और पानी कहीं से मिला था तो वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से ही मिला था। आंकड़ों के आधार पर हम ये मान लेते हैं कि 1946 के चुनाव में तब के यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश में करीब 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। और तब 1941 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिमों की आबादी थी 15.43% और आजादी के बाद 1951 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी बची थी 14.28%। यानी 1947 के बंटवारे के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी में 1.15% की ही कमी आई। यानी यूपी के करीब 95.5% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट तो दिया लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1.15% मुसलमान ही पाकिस्तान गए और बाकी के सारे की सारे यहीं रह गए। अब एक और आंकड़े पर गौर कीजिए, पाकिस्तान में भारत से जाकर बसने वाले मुसलमान यानी मुहाजिरों की संख्या करीब 2 करोड़ है और भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या करीब 20 करोड़ है। अब सोचिए कि जब 1946 को चुनाव हुए थे तो 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया और फिर भी भारत में रहने वाले मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ है। अपने डबल स्टैंडर्ड को छुपाने के लिए आज का मुसलमान यह तर्क देता है कि 1945-46 के चुनावों में मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार सिर्फ कुछ ही कुछ लोगों को था
और इन कुछ ही लोगों ने पाकिस्तान को चुना। लेकिन भाईजान, आपको यह समझना चाहिए कि जब बीमार होने पर इंसान का ब्लड टेस्ट होता है तो सिर्फ 5 मिलीलीटर खून ही निकाला जाता है, पूरे शरीर का खून नहीं निकाला जाता, और खून की इन्हीं चंद बूंदों से बीमारी का पता चल जाता है। जैसे 1945-46 के चुनावी वोट सैंपल से यह पता चल गया कि पाकिस्तान नाम की बीमारी किनकी रगों में दौड़ रही थी। अब एक बार फिर सुनिए, सरदार पटेल ने आजादी के बाद पाकिस्तान को वोट देने वाले मौका परस्तों के लिए क्या कहा था। कि एक रोज में दिन सबका कैसा बदल गया, तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है, आपको सस्पिशन क्यों आता है, तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो, वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते, जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना ही नहीं, हम बैठे ठीक है। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक जाए, एक हो जाए, मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, और कैसे रहने दो। तो अगली बार कोई आपके सामने कहे कि हमारे बाप दादाओं ने अपनी इच्छा से हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था, तो उसको 1946 का चुनाव आंकड़ों के साथ बताइएगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि किसका कितना खून शामिल है यहां की मिट्टी में और किसके बाप ने मांगा था पाकिस्तान। 1946 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट देने वाले 1947 में पाकिस्तान क्यों नहीं गए, इस पर अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि भारतीय इतिहास में इससे दिलचस्प कहानी कोई और हो ही नहीं सकती। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही, नमस्कार। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78।